रायबरेली के बछरावार हाईवे स्थित मुख्यमंत्री निर्धक रैली का आयोजन किया गया। लखनऊ रायबरेली हाईवे पर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इस रैली का शुभारंभ रेणु जी द्वारा किया गया, जिसमें रेणु शुक्ला ने कहा कि हम लोगों ने अपना मुंडन कराया है। योगी सरकार ने आश्वासन देने के बाद भी आज 65 दिन हो गए लेकिन सरकार सो रही। सरकार को जगाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। वहीं ब्रिज किशोर शुक्ला ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती इस विरोध को हम जारी रखेंगे। वहीं रेणु जी ने कहा कि तीन प्रदेशों में भाजपा हार के बावजूद नहीं चेत रही, अगर सरकार शिक्षकों की मांग नहीं मानती है तो शिक्षक और भी जोर से आंदोलन करने को गति बढ़ा देंगे। वहीं बीके शुक्ला जो कि प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार से हमारा संघर्ष है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सरकार के विरुद्ध डटे रहेंगे। आप ये बताएं कि किस प्रकार का आपका धरना, क्या आपकी मांग है? पिछली सरकार ने जो हम लोगों को मानदेय दिया था, ये सरकार आई तो इन्होंने जो पिछली सरकार ने मानदेय दिया था इस सरकार ने काट दिया। इसके उसमें हम लोग 4 सितंबर को धरना किए और हमारी सरकार से एक ही मांग थी कि हमको योगी जी बुलाएं और बताएं कि किस कारण से हमारा मानदेय काटा गया। हम लोगों ने कोई अपराध भी नहीं किया। हम लोगों ने घोषणा की कि अगर हमसे मुलाकात नहीं होती तो 5 सितंबर को हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर मुंडन कराएंगे और भीख मांगेंगे। योगी जी ने नहीं बुलाया तो 5 सितंबर को हमने हजरतगंज के वहाँ पर मुंडन कराया और उसके बाद पूरे 75 जनपद जाकर अपने शिक्षकों को जगाने का काम कर रहे हैं। उसी समय योगी जी ने कहा था कि ये अयोग्य शिक्षक है, इनके पूर्व जन्म के कर्म खराब है, ये हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, फिर मुंडवाते रहेंगे। इसका जवाब पूरे 75 जनपद जाकर धरना प्रदर्शन करके और 7 जनवरी को इस कार्यक्रम का समापन दिल्ली में होगा और योगी जी की शिकायत मोदी जी से करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने मुख्यमंत्री को संभाल लो, नहीं तो 19 में तुम्हें यही शिक्षक हराने का काम करेगा। आप संगठन में किस पद पर हैं? मेरा नाम रेणु मिश्रा है, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा प्रधानाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी इंटर कॉलेज शाहजहांपुर। तो जब आपने धरना दिया था तो आपको योगी जी ने क्या आश्वासन दिया? योगी जी ने अभी तक बुलाया नहीं है। 65 दिन आज हो गए हम लोगों को जाते हुए, आज तक एक बार भी नहीं पूछा कि ये शिक्षक क्यों सड़क पर है, क्योंकि उन्हें तो सवा 300 का घमंड है, इसलिए वो हम लोग से क्यों पूछेंगे। लेकिन अभी 3 राज्यों में उनकी सरकार हार गई है तो उनका घमंड अभी टूटा नहीं क्या? अगर टूटा होता तो हम लोगों से वार्ता करते, संगठन को बुलाते, संगठन से वार्ता करते, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने।